मार दिया ना? मार दिया। तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं समझा ना? लेकिन अब तू समझेगा। हेलो। हेलो सर। हाँ। गेट से सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सीबीआई ऑफिसर आए हैं। सीबीआई? साहब 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 सीबीआई वाला आया है। सीबीआई? हाँ। सबको जाने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। हाँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग नेता जी से अभी नहीं मिल सकते, आप कल आके मिल सकते हैं। अभी आप जाइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। टी कॉफी? नो थैंक्स। सीबीआई ने आपको भेजा, ऐसी कौन सी बात हो गई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीएम की मौत के केस का फैसला आने वाला है, मुझे उसमें एक छोटा सा शक है, उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूं। जिस समय वो मरे थे उस समय आप वहां थे, आपसे पूछने से हमें कुछ जानकारियां मिलेंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ था। वो मरने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपने की बात कर रहे थे। एक मिनट। ऑक्सीजन मास्क पहने हुए ही मर गए थे, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं की थी। वो मुझे अपने हाथों से इशारे करके। मेरा शक कुछ और बढ़ रहा है। अभी क्लियर करता हूं। अब तो शक दूर हो गया ना? क्लियर हो गया। इसी तरह से मैं सर शक को क्लियर करता हूं। ये 5 करोड़ है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। बोलिए नेताजी। ओए मंत्री के बच्चे, तू दिल्ली में रहना चाहता क्या? यहाँ पे लौट के नहीं आएगा? मेरे घर पे सीबीआई वाले चक्कर मार रहे हैं और तू वहाँ पे मजे कर रहा है वहाँ। मैं आपके आशीर्वाद से दिल्ली में मंत्री बनकर बैठा हूँ, मैं किसी सीबीआई वाले को आपके घर कैसे भेज सकता हूँ? फिर जो आया था वो कौन था? हेलो, मैं था वो आने वाला आदमी। मैं था, मेरे घर पर बॉम्ब रख कर आया हूँ। बहुत बड़ा आदमी है ना तू, प्रचार पर जाने से पहले अपने घर और अपने आप को बचा ले।
सर। क्या हुआ क्या हुआ? जगह अच्छी तरह से चेक कर लिया, कहीं पर कोई बम नहीं मिला, किसी ने आपको डराने के लिए ऐसा किया है। हेलो, अभी कितना टाइम हुआ है? 9 बजे। 9 बजे तक तो तू मर जाएगा, सही टाइम देखकर बता। 8:59। तेरी घड़ी में ही बॉम्ब रखा हुआ है। अरे बाप रे, छोड़, सर, क्या हुआ सर? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ सर? मेरी घड़ी में बॉम्ब रख दिया। साहब क्या? जा यहां से। फिर से फोन कर रहा है। जो किया था मैंने उसी में तू सीरियस हो गया। अगर मैं सीरियस हुआ तो तू जोकर बन जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसे सुन। फैक्स में जो लिखकर भेजा था उसे तुरंत पूरा करो। मेरे बोलने पे ये लोग विश्वास करेंगे क्या? और कोई रास्ता भी नहीं है, बोलना ही होगा। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। गांव के लोग ही हमारे देश का आधार हैं। ये क्या बक रहा है? गांधी जी के अनुसार हमें गांव की पहले तरक्की करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा है गांव की उन्नति करो, क्योंकि गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति होगी। और हमारे गांव में आज इलाज करवाने के लिए एक डॉक्टर भी नहीं मिलता है। गांव में आज गांव में एक भी आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसे एक परेशानी समझकर गांव के लोग इलाज नहीं करवाते, और इसके कारण गांव के लोगों की बीमारी के बढ़ने से उनकी जान भी चली जाती है। बड़ी बीमारियां तो दूर की बात है, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीमारी भी लाइलाज हो जाती है। डॉक्टर भी इसे अपना काम ना मानकर एक सेवा भाव समझकर करेंगे। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने वाले लोगों को अगर एक साल के लिए उन लोगों को गांव में जाकर इलाज करने के लिए कहेंगे तो उन्हें गांव वालों की परेशानी का भी पता चलेगा और हमारे देश की हालात का भी। इस तरह उन्हें अनुभव भी मिलेगा और देश की सेवा का मौका भी। एक साल तक गाँव में प्रैक्टिस करने वालों को ही सरकार की तरफ से डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीमारी आने के बाद उसका इलाज करना पड़े, बीमारी आने की वजह ही समाप्त हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यही एक अच्छी योजना है। आग लगने से पहले कुआं खोद दिया, इसलिए ये नियम सबको मानना ही पड़ेगा। हमारे गांव में पहली बार एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर भी साथ आए हैं, पहले तो ऐसे कभी नहीं आए। हाँ वही तो। चाची जी, अच्छा? हमारे गांव में इलाज करने के लिए डॉक्टर आया हुआ है। अच्छा? चलिए जल्दी जल्दी चलो। बेटा अब रोज आओगे क्या? नहीं माँ जी, 5 दिन में सिर्फ एक बार आएंगे, क्योंकि हम लोगों को कई गाँव में जाना पड़ता है। एक दिन में 2 ही गाँव में इलाज कर सकते। तो यहाँ रोज नहीं आओगे? नहीं माँ जी, पूरे राज्य में ऐसा ही है। 10 किलोमीटर चलकर दूर जाना पड़ता था, इसीलिए बिना इलाज कराए रहते थे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये दवाई खा ले। हाँ। नमस्ते सर। बैठो। बोलिए। नेताजी नमस्ते, मैं भारतीय अनाथ आश्रम का सेवक हूँ। नेताजी, मैं एक वृद्धाश्रम चलाता हूँ। सर, मैं एक बाल विकास आश्रम चलाता हूँ। नमस्ते, मैं महिला संगठन की तरफ से आई हूँ सर। आप सबको क्या चाहिए बोलिए ना। हमको और कुछ नहीं चाहिए नेताजी, पहले से ही आपने इतना दे दिया है। हमारी संस्थाओं के लिए 1-1 करोड़ रुपया देकर आपने हमारा दिल जीत लिया। ये क्या नई कहानी है?